परमात्मा क्या है और जीव क्या है और दोनों में आपस में क्या संबंध है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट आते हैं तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके, यही हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर यानी कि परमात्मा एक है, सनातन और अनादि है, वह सच्चिदानंद घन स्वरूप है, सर्वव्यापक और अविनाशी है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन अमल और सहज सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने परमात्मा और जीव के भेद का वर्णन करते हुए कहा है, माया इसने आपू कहूँ जान कहीं सो जीव, बंद मोच प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। यानी कि जो माया ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता उसे जीव कहते हैं, जो बंधन और मोक्ष को प्रदान करने वाला है उससे परे और माया का भी प्रेरक है उसे ईश्वर यानी कि परमात्मा कहते हैं। ईश्वर में सभी जीव समाये हैं और ईश्वर उन सभी जीवों में समाया है। ईश्वर और जीवात्मा दोनों अभिन्न हैं, दोनों सखा भाव से एक साथ ही रहते हैं। ईश्वर दृष्टा है और जीवात्मा भोगता है। उपनिषदों में कहा गया है कि एक साथ रहने वाले परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी यानी कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष यानी एक ही शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में एक जीव तो उस वृक्ष के सुख दुख रूपी कर्म फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। ये मंडूक उपनिषद और श्वेता उपनिषद में लिखा हुआ है। शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है, असमर्थता रूपदीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता है। और जब कभी वह अज्ञानियों द्वारा नित्य सेवित अपने साथ रहने वाले अपने दूसरे सखा परमात्मा को और उसकी महिमा को प्रत्यक्ष रूप से जानकर उसका ध्यान करता है, तब जीवात्मा भी सर्वथा शोक रहित हो जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पाले, शोक रहित हो जाएं, उस परमात्मा को जाने, तो अभी इसी समय से प्रयास कीजिए। क्योंकि ये मनुष्य देह अनमोल है, ये पता नहीं दोबारा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना शुरू करें और निरंतर उसका अभ्यास करेंगे तो आप भी बड़ी अच्छे से समझ जाएंगे कि परमात्मा क्या है और उनका क्या संबंध है। क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है, जब इंसान को स्वयं अनुभव होता है तभी वो जान पाता है। बाकी अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।